मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है खीमे की टिकड़ियाँ, जो बहुत यूनिक डिश है। तो चलो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। खीमे की टिकड़ी बनाने के लिए 700 ग्राम खीमा लिया है, धो के रखा है मैंने। एक बड़ा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मटन मसाला, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच कबाब मसाला, थोड़े खड़े मसाले, थोड़ा बाजरी का आटा लिया है और एक बाउल भर के बेसन लिया है, हरा धनिया, पुदीना, एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 8-10 हरी मिर्च, 5-6 लाल मिर्च और 4 बड़े कटे हुए प्याज, उनको छोटा छोटा कट करना बाकी है। और अब हम बनाते हैं खीमे की टिकड़ियाँ। खीमे को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब हम खीमे में सब मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, धने पाउडर, काली मिर्च मसाला, हल्दी, मटन मसाला सब डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पपीते का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो मैंने नहीं डाला है। बाजरी का आटा और चने का आटा हम बाद में डालेंगे। खड़े मसाले भी हम पीस के इसमें डालेंगे। हरी मिर्च, लाल मिर्च, खड़े मसाले को हम पीस लेंगे, उसका पाउडर बना के इसमें डालेंगे। हरा धनिया, पुदीना, कटे हुए प्याज, वो भी बाद में डालेंगे। बेसन को हम फ्राई करेंगे, हल्का सा सेकेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम। अब इसमें हम अदरक लहसुन भी डाल देंगे और फिर से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। बहुत अच्छे से मिलाना है हमको, हाथों से, हाथों में थोड़ा तेल लगा के भी मिला सकते हैं। एक जार में मैंने खड़े मसाले पीस लिए हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च सब पीस लिए, वो भी डाल देंगे इसमें हम। डाल दिए हैं। अब हम इसको 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, मसाला इसमें मिक्स हो जाए। इसके लिए 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चने के आटे को सेक लेते हैं। चने के आटे को 2 मिनट के लिए सेकेंगे। चने के आटे को 2 मिनट सेक लिया है, अब ठंडा होने देंगे इसको। बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे अंदर। अच्छा पानी निचोड़ कर बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे अंदर। 4 बड़े प्याज लिए हैं, 4 बड़े प्याज डालेंगे अंदर। हरा धनिया, पुदीना, वो भी डाल देते हैं अब। हरा धनिया और पुदीना, वो भी डाल देंगे
पुदीना और धनिया डाल देंगे। अब डाल देंगे बाजरी का आटा, एक बाउल बाजरी का आटा, एक बाउल चने का आटा सेक के रखा है। चने का आटा डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर बाजरी का आटा, चने का आटा, हरा धनिया, पुदीना, प्याज कटे हुए सब डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। बहुत अच्छे से मिलाएंगे। सब मसाले डाल दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। हाथों से 10 मिनट तक मिलाते रहेंगे। दस मिनट तक मिलाया है। अब तेल को गर्म रखेंगे टिकड़ियाँ बनाने के लिए। अब हम थोड़ा आटा लेंगे सब, और ऐसे ऐसे हाथों की मदद से गोल टिक्की बनाएंगे। ऐसे गोल टिक्की बनाएंगे सब। तेल गर्म हो चुका है, हाथों की मदद से गोल गोल टिक्की बनाएंगे और तेल में डाल देंगे। तेल गर्म कर दिया है मैंने। चार चार करके हम टिक्की डालेंगे तेल में। तेल में चार चार करके हम टिक्की डालेंगे और थोड़ी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे हम टिक्की को। खीमे की टिक्की, हमारी खीमे की टिकड़ियाँ फ्राई हो रही है। अच्छे से तलना है, कच्ची ना रह जाए। फ्राई हो चुकी है खीमे की टिकड़ियाँ। ऐसे करके चार चार करके हम डालेंगे। टिश्यू पेपर रखा है, बाउल में टिश्यू पेपर रखा है, उसमें निकाल लेंगे हम। फ्राई कर ली है, चार चार करके डाल दिए। टिश्यू पेपर पे रखेंगे बाउल में। ऐसे करके सभी फ्राई कर लेंगे। अब हम ये सब फ्राई कर लिए है, देखिए ये फ्राई करने की बाकी है, इसको हम अब फ्राई कर रहे हैं। फ्राई कर रहे हैं हम। सभी खीमे की टिक्की मैंने फ्राई कर ली है। चलो अब इसको सर्व करते हैं हम। नींबू और प्याज के साथ हमने सर्व कर दिया है। आप चाहें तो ब्रेड या पाव के साथ खा सकते हैं। आप भी घर में ज़रूर बनाएं खीमे की टिकड़ी को, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।